स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सभी रेल यात्री और सभी रेलवे के जो ट्राइड एजेंट है उनके लिए बहुत जरूरी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा जरूर देखे। तो फाइनली फ्रेंड, IRCTC रेल ग्रांट एप्लीकेशन का एक नया अपडेट आ चुका है और नए अपडेट में दोस्तों बहुत से ऐसे रेल यात्री जिनको UPI से पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास दोस्तों कमेंट करके पूछ रहे हैं। कुछ यूजर्स तो हमारे पास व्हाट्सएप पे भी कमेंट किए कि सर जब हम UPI से पेमेंट कर रहे हैं UPI आईडी डालने के बाद पे नाउ का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएं। तो फाइनली फ्रेंड, एप्लीकेशन अपडेट तो हो गया, लेकिन अगर आप सोचे कि एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद क्या इसमें तत्काल टिकट वगैरह बुकिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फ्रेंड एक्चुअली अब जो पहले मतलब प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। पेमेंट करने के बाद 1.5 से 2 मिनट या 3-3 मिनट तक प्लीज वेट करके घुमा रहा है अभी भी। लेकिन दोस्तों हम सबसे मेन प्रॉब्लम जानते हैं कि आखिर UPI आईडी डालने पर पे नाउ का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड ऐप अपडेट हुआ है, ऐप अपडेट के साथ दोस्तों इसके अंदर दो फीचर्स आ गए हैं। अब दोस्तों आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर जो UPI आईडी डाल के भी दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड सबसे पहले आपको UPI आईडी उसमें इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई भी टैप करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप पेमेंट कर पाएंगे वरना नहीं पेमेंट कर पाएंगे। पहले दोस्तों जब हम रेल कनेक्ट एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का यूज करके ट्रेन टिकट जब भी बुक कर रहे थे तो फ्रेंड वहां पे जैसे अगर हम रॉन्ग UPI आईडी डालें तो हमको पता नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअली में UPI आईडी सही है कि गलत है। अब फ्रेंड ऊपर से जब आप उस एप्लीकेशन पे वहां पे UPI आईडी कॉपी पेस्ट करेंगे तो इजी तरीके से वहां आपको दिखा देगा कि UPI आईडी आपका वेरीफाइड हो गया है और UPI आईडी आपका सही है। तो फ्रेंड आपको ट्रेन टिकट बुकिंग करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले क्या होता था, अगर एक अक्षर भी आप मिस कर देते थे तो आपको पता नहीं चल पा रहा था आपने UPI आईडी सही डाला है कि गलत डाला है। और फिर जब आप फोन पे या फिर गूगल पे या फिर अमेजोन या फिर पेटीएम ओपन करके देखते थे तो वहां पे रिक्वेस्ट नहीं आता था, बाद में आपको पता चलता था कि हमने UPI आईडी गलत डाल दिया है। तो फ्रेंड एक हिसाब से देखा जाए फैसिलिटी के लिए ये ऑप्शन रखा गया है और ये कैसे वर्क करता है और कैसे आपको वेरीफाई करना है अब दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे आपको बता देंगे। तो फ्रेंड चलो फटाफट हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड UPI आईडी पे जैसे आप टैप करेंगे तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड यहाँ आपको सिंपली अपना UPI नंबर डालना है, ये दोस्तों इस वाले हिस्से पे। जैसे दोस्तों दो तरीके से UPI नंबर वेरीफाई हो सकता है, एक तो दोस्तों मोबाइल नंबर के थ्रू भी वेरीफाई हो पाएगा, एक दोस्तों जो आपका UPI आईडी है उसके थ्रू भी दोस्तों आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे UPI आईडी डालना है, मैं डाल दे रहा हूँ। जैसे मेरा जो UPI आईडी है उसके बाद फ्रेंड लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि सर UPI आईडी डालने के बाद यहाँ पे हमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये दोस्तों जैसे देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे ये पेमेंट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो उसका रीज़न है फ्रेंड आपको उसको पहले सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको वेरीफाई VPA पे टैप करना होगा। ये दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करके बता देगा कि आपकी जो UPI आईडी आप डाले हैं वैलिड है कि अनवैलिड है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली वेरीफाइड ये कर दिया है, मतलब दोस्तों अब हम इस UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड आप देख लिए कि पेमेंट का ऑप्शन भी आ गया। तो बहुत से ऐसे रेल आती थे जिनको डाउट था, तो फ्रेंड आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई के बाद दोस्तों सिंपली नीचे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको पे करना है। अब दोस्तों जैसे मैं पे वाले ऑप्शन पर सीधा टैप करूँगा तो फ्रेंड जैसे हम ट्रेन टिकट बुक करते इसमें पेमेंट करते थे वैसे हम कर सकते थे। तो फ्रेंड ये छोटी सी अपडेट थी, आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।